वेलकम बैक इन गौतम एग्रीकल्चर स्टडी फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर लोकस्ट के बारे में। पिछली वीडियो भी बनी हुई है, प्लीज़ आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ओके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पसंद आने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे डिफरेंस बिटवीन लोकस्ट एंड ग्रास ऑफर। लोकस्ट आर पार्ट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट कॉमनली कॉल्ड ग्रासहॉपर विच हैव बिग हिंड लेग्स फॉर जंपिंग। लोकस्ट बिलोंग्स टू फैमिली एक्रिडी। लोकस्ट डिफर फ्रॉम ग्रासहॉपर इन दैट दे हैव एबिलिटी टू चेंज देयर बिहेवियर हैबिट्स एंड कैन माइग्रेट ओवर लार्ज डिस्टेंसेज। ठीक है, वो बिहेवियर को चेंज कर सकता है, हैबिट को अपने चेंज कर सकता है और बहुत दूरी को तय करता है। ये इसका डिफरेंस होता है मेन ग्रासहॉपर से। व्हाट इज इट डिजर्ट लोकस्ट? डिजर्ट लोकस्ट क्या होता है? डिजर्ट लोकस्ट इज वन ऑफ अबाउट डजन स्पेसिस शॉर्ट हॉर्न ग्रासहॉपर दैट इज नोन टू चेंज देयर बिहेवियर एंड फॉर्म स्वाम्स ऑफ एडल्ट्स और बैंड ऑफ हॉपर, जिसको कि विंगलेस निम्स भी बोलते हैं। द स्वाम्स दैट फॉर्म कैन बी डेंस एंड हाईली मोबाइल। द लैटिन नेम ऑफ डिजर्ट लोकस्ट इज सिसोसा ग्रेगेरिया। उसके बाद हम देखेंगे ये कितने दिनों तक जीवित रहते हैं। How long does a desert locust live? A desert locust lives a total of about 3 to 5 months. आप अगर पिछली वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें मैंने 84 days बताया भी था आपको, ठीक है, लगभग यानी कि 12 weeks, ओके। उसके बाद है यहाँ पे depends mostly on weather and ecological condition, और weather और ecological condition पर भी depend करता है वहाँ का। The life cycle comprises 3 stages, eggs, hopper and एडल्ट, यानी कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है उनमें। इसके बाद है एग हैच इन अबाउट 2 weeks, हॉपर डेवलप इन 5 to 6 stages ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 30 to 40 days एंड एडल्ट मैच्योर इन अबाउट 3 weeks to 9 months बट मोर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम 2 to 4 months। अब इसके बाद देखते हैं कि फीमेल कितने, जो डिजर्ट फीमेल लोकस्ट की फीमेल होती है वो कितने एग को प्रोड्यूस करती है अपनी लाइफ टाइम में। हाउ मेनी एग्स डज अ डिजर्ट लोकस्ट फीमेल प्रोड्यूस? डिजर्ट लोकस्ट फीमेल ले एग्स इन एन एग पॉड प्राइमरली इन सैंडी सॉइल एट डेप्थ ऑफ 10 to 15 centimeters बिलो द अर्थ सर्फेस। अ सोलिटरी फीमेल अबाउट 95 to 158 और जो ग्रेगेरियस होता है वो लगभग 80 eggs को प्रोड्यूस करता है। फीमेल जो होती है, फीमेल कैन ले एटलीस्ट 3 times अपनी लाइफ टाइम में, 3 बार वो अंडे देती हैं, ओके, और 6 से 11 दिन के इंटरवल पे। और आपको बता दें 1 meter square एरिया में लगभग यहाँ पे 1000 egg इनके पाए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आर देयर एनी अदर बेनिफिशियल यूजेज ऑफ लोकस्ट? क्या इनके कुछ बेनिफिशियल यूजेज भी हैं? हाँ, तो देखिए यहाँ पे है, फिलीपींस में लोकल हर्बलिस्ट्स आर सेड टू स्टीप लोकस्ट इन कोकोनट ऑयल एंड विद चैंटिंग ऑफ प्रेयर्स इन आइदर द लोकल डायलेक्ट और इन पिडजिन लैटिन अप्लाई टू द वाइल्ड वाउंड कटे हुए पर लगाने के लिए एंड स्प्रेंस एज अ वे ऑफ फैसिलेटिंग हीलिंग। ऑल्सो इन फिलीपींस सम इंटरप्राइजिंग पीपल रिसेंटली डिस्कवर्ड डैट द डिस्ट्रक्टिव लोकस्ट विच कंटिन्यू टू प्लंडर वास्ट ट्रैक्ट ऑफ शुगर केन फील्ड एंड वेजिटेशन इन पम्पांगा एंड जैम्बल्स कैन बी अ रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट फीडिंग फॉर एनिमल्स एंड फिश इंक्लूडिंग फाइटिंग कॉक्स। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या लोग लोकस्ट को खाते हैं। डू पीपुल ईट लोकस्ट? पीपुल इन सेवरल कंट्री कलेक्ट लोकस्ट यूजिंग लार्ज नेट्स एंड बाई अदर मीन्स। लोक लोकस्ट आर यूजली स्टीयर फ्राइड रोस्टेड एंड और वाइल्ड एंड ईटन इमीडिएटली और ड्राइड एंड ईटन लेटर। लोकस्ट आर रिच इन प्रोटीन, ये प्रोटीन में रिच होते हैं। ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इंक्रीज लोकस्ट एक्टिविटी फाइल्स ऑफ डेड लोकस्ट कैन बी फाउंड इन द मार्केट प्लेस ऑफ मैनी लोकस्ट अफेक्टेड कंट्री। उसके बाद है हाउ, उसके बाद क्वेश्चन जो है व्हाट इज अ डिजर्ट लोकस्ट कंपोज ऑफ, ये जो होते हैं ये किन किन चीज़ों से मिल के बने होते हैं? तो इनके जो 62% जो होता है वेट का वो ड्राई मैटर से बना होता है, ओके, जिसमें कि प्रोटीन होते हैं
और 17% यहाँ पे देखिए फैट दिया हुआ है, रिमाइंडर इनऑर्गेनिक कंटेंट होता है उसमें। आपको यहाँ पे सिलिकन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, निकेल, फास्फोरस एंड सल्फर, इन सब चीज़ों से, इनऑर्गेनिक चीज़ों से मिलके बनी होती है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे, कैन लोकस्ट बीन डिटेक्टेड बाय सैटेलाइट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में, लोकस्ट के बारे में, क्या हम उसको सैटेलाइट से डिटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे तो नॉर्मली देखा जाए तो नहीं कर सकते हैं, बट कभी किया भी गया। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, वेदर सैटेलाइट एंड अदर सैटेलाइट्स यूज टू मोनिटर द इन्वायरमेंट कैन नॉट डिटेक्ट लोकल इंडिविजुअल और स्वाम। ठीक है, जो वेदर के लिए यूज किया जाता है जनरली, जो नॉर्मल, वो इसको नहीं कर सकता है। बट यहाँ पे देखिए, हाउ एवर द हाईली सोफिस्टिकेटेड सेटेलाइट यूज बाई द मिलिट्री कैन इनडीड डिटेक्ट लोकस्ट बट द इमेजेज आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, वो तो डिटेक्ट कर सकता है, जो मिलिट्री के जो होते हैं हाईली सोफिस्टिकेटेड जो होते हैं सेटेलाइट, वो कर सकता है, बट इमेज को उसको अवेलेबल अभी तक नहीं है। इवन इफ दे वेयर, इट इज अनलाइकली डैट नेशनल एंड इंटरनेशनल लोकस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वुड हैव द एबिलिटी टू इंटरप्रेट द हंड्रेड्स ऑफ इमेजेज डैट वुड बी प्रोड्यूस ऑन ए डेली बेसिस। जो कुछ यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल लोकस ऑर्गेनाइजेशन है, वो डेली बेसिस पे 100 इमेजेस मतलब प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो थी फ्रेंड्स, ये लोकस के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थी। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।